हाँ जी, हाथ उठाइए। हाँ प्रकाशमणि दादी का कौन बजता है? कौन बजाता है? कौन कहता है कि बाबा नहीं आया हुआ है? हैं? ये कौन से इतने बड़े परिवार के बीच में जो बेसिक नॉलेज का परिवार है, एडवांस नॉलेज का परिवार है, उसके बीच में कौन कहता है कि बाबा नहीं आया हुआ है साकार में? बाबा चला गया है? तो काशमणि दादी कहती है कि माया कहती है, हैं? इसलिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे कहते हो कि बाबा आया हुआ है और माया कहती है, माया भी बच्चे कहते हैं, ये हो नहीं सकता कि साकार शक्ति पर कलयुग की दुनिया में बाप आ जाए। बाप तो पहले कभी आया था, आ करके चला गया। अब नई दुनिया बनाने वाले तो हम हैं। और नास्तिक वो है जो बाप को नहीं जानता, बाप का नाम नहीं जानता, रूप नहीं जानता, देश नहीं जानता, काल नहीं जानता, पार्ट को नहीं जानता। और जो जानता है वो आस्था रखता है, उसके ऊपर निश्चय और विश्वास रखता है, उसको आस्तिक कहा जाता है। आस्तिक माना ही आस्था वाला। क्या हवा के ऊपर आस्था रखी जाएगी? कुछ प्रैक्टिकल में हो तो उसके ऊपर निश्चय निश्चय का सवाल होता है, श्रद्धा विश्वास का सवाल होता है। और अभी तो बताया, संकल्पों की ट्रेन छूट जाती है तो रुकती ही नहीं, लौकिक दुनिया के संकल्प चल पड़ते हैं, देह के संबंधियों के संकल्प चल पड़ते हैं, देह के पदार्थों के संकल्प चल पड़ते हैं तो रुकते ही नहीं। तो संकल्पों को कंट्रोल करना, खुला नहीं छोड़ देना, जब चाहे तो संकल्प करें और न चाहे तो रोक दें। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो जो हमको डाउन करने वाला है, वो डाउन करने का उपक्रम कर रहा है, हमारे संकल्प चल पड़े उसके बारे में, तो उन संकल्पों को भी ब्रेक लगा दे। उसको कहते हैं कंट्रोलिंग पावर। जो काम करने जा रहे हैं वो कार्य को चाहे तो करें, अगर ठीक नहीं लगता है तो तुरंत बंद कर दें, कंट्रोल कर दें, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, तो कहेंगे कंट्रोलिंग पावर। वाचा को भी जो समझे श्रीमत के अनुकूल नहीं है उस वाचा को कंट्रोल कर दें। और रूलिंग पावर, जैसे कोई राजा होता है तो अपने राज्य में रूलिंग पावर के आधार पर राज्य करता है,
किसको रूल करता है? अपने राज्याधिकारी को रूल करता है, सीधा प्रजा को रूल नहीं करता। रूल करना माना शासन करना। तो बाबा ने हमें किसके ऊपर शासन करना सिखाया है? हैं? कर्म इंद्रियों के ऊपर शासन करना है। कोई व्यक्तियों के ऊपर शासन नहीं करना है। और सबके तो हम सेवाधारी हैं। कोई के ऊपर हम शासनाधिकारी नहीं है। जब बाप ही ओबीडियंट सर्वेंट बनकर के आया हुआ है तो हम आपस में एक दूसरे को रूल करने की इच्छा क्यों करें? कंट्रोल करना है तो अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना है। हिम्मत के अनुसार एक एक इंद्रिय कार्य करे। ऐसे नहीं कि जानवरों के मुआफ़के जैसे जानवरों को आवेग आता है और वो बलात् अपना कार्य कर लेते हैं, सोच विचार नहीं चलाते, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं, हमें बाबा ने सबसे पहले अपने मन को कंट्रोल करना सिखाया। मन कंट्रोल होता है तो मन के आधार पर सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती। तो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कन्वे कर्म इंद्रियां, उनका भी कंट्रोल हो जाता है। और रिद्धि सिद्धि चलती है भक्ति मार्ग में। भक्ति मार्ग में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो रिद्धि सिद्धि करते हैं। धन संपत्ति कहीं से इकट्ठी करते हैं उसे रिद्धि कहा जाता है। और कोई भूत प्रेत को सिद्ध कर लेते हैं, डाकिनी को, साकिनी को, जिन्नात को, खब्बीस को, उसको सिद्धि कहा जाता है। उन भूत प्रेतों की सिद्धि के आधार पर उल्टे पलटे काम करते और करवाते रहते हैं। कोई में आत्मा का प्रवेश कराते हैं, उनको रिद्धि सिद्धि कहा जाता है। ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति मार्ग में भी जो थर्ड क्लास भक्त हैं, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले, उनमें रिद्धि सिद्धि चलती है। अपने ज्ञान मार्ग में होती है विधि। बाप ने जो विधि बताई है उस विधि के आधार पर हम सिद्धि प्राप्त करें। यहाँ रिद्धि सिद्धि की बात नहीं है। और ऐसे श्रीमत लें, कदम किसे कहा जाता है? कदम माने क्या? कि कदम माने एक पांव आगे बढ़े तो श्रीमत लें। कदम कदम का मतलब है जो भी कार्य करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएं, चाहे लौकिक दुनिया का काम हो, चाहे अलौकिक ईश्वरीय सेवा का काम हो, चाहे परिवारजनों को सहयोग देने का काम हो, उस कार्य को करने से पहले
बाप से पूछे। जो भी साधन हमारे पास मौजूद हो, जो ज्यादा तीखे पुरुषार्थी होंगे वो तो साधनों की भी परवाह नहीं करेंगे, उन्हें अंदर से महसूस होगा कि बाबा हमारे साथ है, हम बाबा की 100% श्रीमत पर चलने वाले हैं। अगर एक आत्मा ऐसा कर सकती है तो दूसरी आत्मा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है कि नहीं है? एक आत्मा दृढ़ निश्चय पूर्वक अंदर से ये भाव पैदा कर सकती है कि हम श्रीमत पर ही चलेंगे, मनमत या मनुष्य मत पर नहीं चलेंगे, तो निश्चय में विजय होती है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, वो कार्य में कभी सफल नहीं हो सकता, दृढ़ता की बात है। तो जितना साधन मिलता हो सहज सहज, वो भी सहज राजी हो गए। कोई को बहुत साधन मिले हुए हैं, जरूर पूर्व जन्मों का हिसाब किताब उनका अच्छा है, तो ढेर सारे साधन मिले हुए हैं। कोई को साधन इतने नहीं मिले हुए, कोई गरीब है, कोई मुहैया साधनों वाला है, परंतु ईश्वरीय पुरुषार्थ में साधन सदाकाल काम नहीं आने वाले हैं। मोबाइल है, फोन है, आज काम करता है, कल काम नहीं करेगा। आज साधन है, लेकिन साधन होते हुए भी बाप से संपर्क नहीं जुड़ेगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है। तो क्या करेंगे? पढ़ाई पढ़ेंगे गहराई से, या पूछ पूछ करके चलेंगे दीदी से, दादियों से, बहनों से, भाइयों से, या बाबा से? बाबा से मोबाइल में डायरेक्शन मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो हमें श्रीमती नहीं मिलती कदम कदम पर, हम क्या करें? कितने साल हो गए बाप को श्रीमत का संदेश देते हुए? क्या श्रीमत है, क्या मनमत है, क्या मनुष्य मत है, कौन सी माया की मत है और कौन सी बाप की मत है? लौकिक जीवन की भी पढ़ाई होती है, उसकी भी कोई लिमिट नहीं होती, ये ईश्वरीय पढ़ाई भी है। जब तक जीना है तब तक पीना है, लेकिन एक बंधन बांधा हुआ है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट को रेगुलर होना है और पंक्चुअल होना है, कोई दिन का क्लास न छूटे। क्लास छूट गया, पता नहीं जिंदगी के कौन से क्षण का महत्वपूर्ण पॉइंट बुद्धि से निकल जाएगा। और पंक्चुअल भी होना चाहिए। जो पंक्चुअल स्टूडेंट होते हैं, समय पर क्लास अटेंड करते हैं,
और पूरा क्लास अटेंड करते हैं, उनको पंक्चुअल कहा जाता है। है ऐसे नहीं, अरे चलो आधा घंटा लेट पहुंचे तो कोई हर्जा नहीं। तो टीचर समझता है इनको हमारी टीचिंग की वैल्यू नहीं है। टीचर की वैल्यू नहीं करते तो जैसे पढ़ाई की भी वैल्यू नहीं करते। पढ़ाई को महत्व नहीं देंगे तो बुद्धि में कदम कदम पर श्रीमत लेने के पॉइंट कैसे आवेंगे। जो पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने वाले हैं उनकी बुद्धि में कदम कदम पर श्रीमत के पॉइंट टपकते रहते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे कहते हैं जब मौका आता है, ऐसा समय आता है तो हमें बाबा का पॉइंट भूल जाता है। भूल गए तो कदम कदम पर श्रीमत लेने वाला का वाली अभ्यास कहाँ पक्का हुआ। और है? श्रीमत को परखना नहीं होता है, व्यक्तियों को परखना होता है। श्रीमत को क्या परखेंगे, श्रीमत तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, है? क्यों मुरली क्या कहती है और मनुष्य क्या कहते हैं ये अंतर पता नहीं चलता है? मुरली कहती है शादी बर्बादी और मनुष्य दुनिया के कहते हैं शादी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी। तुम सृष्टि का विनाश करने वाले हो अगर शादी नहीं करते तो। पता नहीं चलता श्रीमत क्या है और मनुष्य मत क्या है। और अंदर से दिल खाता है कि नहीं खाता है जो कार्य करते हैं। हम जज ही नहीं करते। कोई कोई कसाई ऐसे होते हैं, कोई कोई होते हैं जो कसाईयों के घर में जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं, वो जन्म जन्मांतर कसाईयों के घर में जन्म लेते रहे। कभी कोई ऐसा जन्म भी तो हुआ होगा कि कसाई के घर में उनको जन्म नहीं मिला था। तो कसाई के घर में जन्म लेते हैं, गाय काटने को वो पाप समझते हैं क्या है? नहीं समझते हैं, माने बुद्धि ही ऐसी बन जाती है। तो बुद्धि रूपी तराजू का कांटा एकाग्र करने के लिए बाप ने ये तरीका बताया कि सदैव आत्म की स्थिति में स्थित रहो। आत्म की स्थिति में स्थित रहकर जो काम करेंगे वो ईश्वरीय मत के अनुकूल ही होगा, और देवान में रह करके जो कार्य करेंगे भले ईश्वरीय सेवा करें, कोई को ज्ञान ही क्यों न सुनावे लेकिन देवान में रह करके सुनावेंगे। तो सेवा होगी या डिसर्विस होगी, अपने को देखना है घड़ी घड़ी कि जो कार्य हमने किया वो देवान में रह करके किया या आत्माभिमानी रहकर किया। आत्माभिमानी रहकर के जो काम करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, उसमें खुशी आएगी। क्या? सेवा का मेवा मिलेगा, खुशी।
इससे साबित होता है हमने श्रीमत के अनुकूल काम किया, और अल्पकाल की खुशी नहीं, सदाकाल की खुशी। जब जब उस सेवा की बात को याद करेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, तो अंदर से खुशी आएगी, हमने ये बहुत अच्छा काम किया। और हाथ उठाओ, कैसा पुरुषार्थी? कायल रायल पुरुषार्थी। पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन रायल्टी से पुरुषार्थ करते हैं। ब्राह्मणों की रायल्टी में और आज के मनुष्यों की रायल्टी में फर्क है। जैसे क्रिश्चियन लोग देखने में बहुत रायल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके संसर्ग संपर्क में आकर के कोई देखे तो पता चलता है अंदर में एक और बाहर में दूसरे हैं। उनकी रायल्टी बहुत दुखदाई होती है, और एक है ईश्वरीय रायल्टी। ईश्वरीय रायल्टी क्या है? हैं? प्योरिटी, पवित्रता ही रायल्टी है। जो वाक्य बोले, जो वाणी बोले, उसमें पवित्रता के वाइब्रेशन भरे हुए हों। दृष्टि से जिनको भी देखें, उनको महसूस हो इनकी रूहानियत की दृष्टि है, देवान की दृष्टि नहीं है। कर्म इंद्रियों से जो भी कर्म करें, कोई भी कर्म इंद्रियों से, अनुभव करने वालों को सुख की अनुभूति हो, दुख की अनुभूति नहीं हो, और अल्पकाल के सुख की अनुभूति ने भी नहीं हो। जब जब उन कर्म इंद्रियों के सुख का स्मरण में ध्यान करें, स्मृति में लाएं, तो उसी समय उनके अंदर सुख जागृत हो जाए। उसको कहते हैं रायल्टी ईश्वरीय। धन की भी रायल्टी होती है, तन की भी रायल्टी होती है, और मन के संकल्पों की भी रायल्टी होती है। कोई संकल्प ऐसा न चले जिससे हमारी आत्मा अंदर अंदर दुखी हो जाए और नजदीक में आने वाले लोग दुखी हो जाए। जैसे कहते हैं उपराम, जहां राम होगा वहां पाप नहीं होगा। राम को बाप कहा जाता है, जहां पाप होगा वहां राम नहीं होगा। बाप के पास रहने की अनुभूति ही सुख पैदा कर दे। ऐसी रायल्टी होनी चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है, जिसके साथ रहने से अच्छी अवस्था बनती हो सदाकाल के लिए, उनका साथ करना चाहिए। जिनके साथ रहने से अवस्था खराब हो जाती हो, उनका साथ नहीं करना चाहिए। बुद्धियों की बात है, ऐसे नहीं कि पति पत्नी साथ में रहते हैं, पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है या पति ज्ञान में नहीं चलता है तो साथ छोड़ देना है। नहीं, बुद्धि योग से दूर रहने की बात है। और बताया कीच में कीच जाकर मिलती है, दूध में दूध जाकर मिलता है,
जो जैसी किस्म की आत्माएं होंगी बेसिक नॉलेज में, उस किस्म की आत्माएं वैसी ही आत्मा में जाके प्रवेश करेंगी। ऐसे नहीं कि इस्लाम धर्म का आधार मूर्त हो और वो सूर्यवंशी में जाके प्रवेश कर जाए, नहीं, नजदीकी आत्मा होनी चाहिए। चंद्रवंशी सूर्यवंशी में प्रवेश कर सकते हैं। और बीज रूप आत्माएं तो सदैव बीज रूप स्टेज में टिकने वाली है। बीज उनको ही कहा जाता है जो 84 जन्म लेने वाले हैं, जिन्होंने पहले जन्म से ही आत्मिक स्थिति को धारण कर लिया। बीज रूप स्टेज पक्की हो गई। एक जन्म के लिए भी जिन्होंने बीज रूप स्टेज को नहीं छोड़ा, आत्मिक स्थिति को नहीं छोड़ा। और विजयमाला की दाने बनेंगे। हाँ, इसका अर्थ ये है कोई इतनी याद में रहते हैं और याद में रहते रहते बाप को याद करते करते उनके आंसू आ जाते हैं कि बाप हमारे ऊपर कितनी कृपा करता है, कितना कृपालु है, कितना दयालु है, जब जब जरूरत पड़ती है हमको थमाता है। उनके दुख के आंसू नहीं होते हैं। कर्म करने वाली बाई जो कर्म के ऊपर विश्वास करती है, क्या समय के ऊपर विश्वास नहीं, जब समय आवेगा तब हो जावेगा, नहीं, उसके लिए कर्म हमें करना है, अभी करना है, समय के ऊपर नहीं छोड़ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। हम अच्छा कर्म करेंगे हमें देखो दूसरे करेंगे। कर्म की थ्योरी बुद्धि में सदैव पक्की रहे। अभी अच्छी अवस्था भी तो बनती है। हाँ, तो 63 जन्म के हिसाब किताब की रील घूम रही है। क्या 63 जन्मों में जब अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा संग किया है, तो अवस्था न चाहते हुए भी अच्छी हो जाती है। और 63 जन्मों में जब बुरे बुरे कर्म किए हैं, कुसंग किया है, वो रील जब घूमती है तो कितना भी हम कोशिश करें, कितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन अवस्था अच्छी नहीं बनती, चाह के भी नहीं बनती है। और दृढ़ता से लगातार पुरुषार्थ करते रहे कि सदा एक जैसी अवस्था कभी किसी की रहती नहीं, सदा एक सा समय किसी का सुना और नहीं देखा है, क्या कोई 84 जन्मों में लगातार दुखी ही दुखी रहे, ऐसे हो नहीं सकता। हर एक आत्मा सुख भी लेती है और दुख भी लेती है।
लेकिन लेकिन शूटिंग यहाँ करती है संगम युग में। कोई 82 जन्म भी सुख लेती है, तो ऐसी 82-83 जन्म सुख में रहने वाली आत्मा ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करती है? कहेंगे जरूर श्रीमत के अनुकूल पुरुषार्थ करती है। श्रीमत को पहचानती है, श्रीमत प्राप्त करने के लिए उन्होंने बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है शुरू से। बाप की श्रीमत ही बाप की पढ़ाई है। श्रीमत के महत्व को जानती है, इसलिए श्रीमत के बरखिलाफ एक भी कदम नहीं उठाती, तो सुखदाई बन जाती है। जो श्रीमत के बरखिलाफ कदम उठाते रहते, जानबूझ करके उल्टा कदम उठाते, कहने पर भी नहीं मानते, उन्हें बता दिया जाए मुरली में बाबा ने ऐसे बोला है, अरे बाबा तो मुरली में सब कुछ बोलते रहते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, तो दुख की शूटिंग करेंगे अपनी जिंदगी में या सुख की शूटिंग करेंगे? ये भी अलबेलापन दिखाते हैं। जब विनाश का नगाड़ा बजेगा तो अलबेलापन सब का भागने लगेगा। अभी अभी श्रीमत के पर खिलाफ कर्म किया और अभी अभी उसकी सजा मिलेगी, कुदरती। सब अलर्ट हो जाएंगे। तभी तो ज्यादा सर्वशक्तिमान है। सबसे पहले माया सरेंडर होती है बुद्धि से। किसके शरीर की बात कर रहे हैं? बोलो बोलो, प्रकाशमणि दादी के शरीर की बात कर रहे हैं। वो बीज रूप आत्मा है या आधारमूर्त आत्मा है? आधारमूर्ति के ऊपर सारी शक्ति का आधार है या बीज के ऊपर सारी शक्ति का आधार है? आधार मूर्तों से भी ऊंची स्टेज वाले हैं उद्धार मूर्त, जो जड़ों का भी उद्धार करते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा है आधार मूर्त, कृष्ण की आत्मा और राम की आत्मा है उद्धार, ऊपर उत्तम माने ऊपर, हर माने बलात्हरण करके ले जाएगी, उद्धार मुहूर्त। ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? भक्ति मार्ग में एक कहानी दिखाई है, शिवलिंग के नीचे की ओर ब्रह्मा गया, ऊपर की ओर शंकर गया, और बीच में जो हिस्सा है उसका अवगाहन विष्णु ने किया। और कोई ने तीनों का पता नहीं लगा पाया, कहां तक शिवलिंग ऊपर गया, कहां तक नीचे ब्रह्मा गया, और बीच में कहां कहां उसने चक्कर काटा विष्णु ने। सब क्या है? कोई नीची स्टेज में जाने के बाद उसका आवाहन करता है, अवगाहन करता है, नीची स्टेज में जाने का अनुभव करता है। कोई ऊंची स्टेज में जाने का अनुभव करता है, तो जो ऊंची स्टेज में जाने का अनुभव करेगा उसमें ज्यादा पावर हुई, या जो नीचे जाकर के अवगाहन करेगा वो ज्यादा पावरफुल हुआ? ऊपर जाने वाला दूसरों को भी ऊपर ले जाएगा, नीचे जाने वाला
दूसरों को भी नीचे ले जाएगा। इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है, मंदिर नहीं बनते हैं, मूर्तियां नहीं बनती हैं। और जो बीच का हिस्सा है इस दुनिया का, ये दुनिया उसमें ही अवगाहन करता है। सबसे ऊंची स्टेज है संगम युग की, चोटी समान ब्राह्मणों की, और बीच की स्टेज है सतयुग त्रेता विष्णु की, जहाँ विष्णु पालना करता है, और नीची स्टेज है द्वापर कलयुग वासियों की। अंतर पड़ेगा ना। और माया भी बीज रूप होती है, माया आधार मूर्ति भी होती है। ज्यादा पावरफुल रूप कौन सा है? हैं? बीज रूप ज्यादा पावरफुल है। वो एडवांस में होगा या आधार मूर्ति में होगा? हैं? एडवांस वालों में होगा बीज रूप। वो बीज रूप आत्मा एडवांस में अभी भी है। तिरसठ जन्म शूटिंग का हिसाब चलता है, 21 जन्म में शूटिंग का हिसाब चलता है। सृष्टि का आदि मध्यंत जैसे नहीं होता, वैसे इस ड्रामा का आदि मध्यंत नहीं होता। ये सृष्टि कब शुरू हुई ये नहीं कहा जा सकता। ड्रामा अनादि है, आत्माएं भी अनादि हैं, और परमात्मा बाप भी अनादि है। शूटिंग पहले हुई या 63 जन्मों में कर्म हमने पहले किए ये नहीं कहा जा सकता। ये तो अरस परस चलता ही रहता है। अंडा पहले हुआ कि मुर्गी पहले हुई, वो बात हो गई। लाख मुर्दे की राख। हाँ मुर्दा माने मरने वाला। जो मर गया वो तभी मरता है जब राख बनता है। ईश्वरीय मत के अनुसार जो बाबा कहते हैं जीते जी मर जाओ, ऐसे जीते जी जो मरते हैं ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, जो द्वापर कलयुग में जाके हिंदू कहे जाते हैं, जिनको जलाया जाता है यादगार में, ऐसी देवताएं आत्माएं जो जीते जी मर जाती हैं, पूरे 84 जन्म लेने वाली हैं, उनकी राख भी ज्ञान जल में मिलाई दी जाती है, और वो ज्ञान जल से अभिषेक किया जाता है। किसका? लिंग का, बिंदु का नहीं, लिंग का अभिषेक किया जाता है। वही बात है जैसे दूध की लोटी चढ़ाते हैं। लोटी कौन है? थोड़ा सा पानी डालते हैं, नहीं थोड़ा सा दूध डालते हैं और ज्यादा पानी डाल देते हैं, तो वो लोटी किसकी यादगार है? हैं?
अरे समर्पित होने वाली कन्याओं की यादगार है, जिनमें थोड़ा सा ज्ञान है बुद्ध रूपी लोटी में और ज्यादा पानी भरा हुआ है। वो लोटी शिव के ऊपर अर्पण की जाती है, भक्ति मार्ग में अर्पण करते हैं ना, ऐसे ये राख चढ़ाने वाली बात है। जो आत्माएं जीते जी मर जाती हैं, वो अपनी यादगार छोड़ती हैं। इन्होंने क्या विशेष कर्म किया? वो विशेषता ज्ञान जल में मिक्स होकर के जैसे शिव के ऊपर अर्पण होती है, सब आत्माओं की बस की बात नहीं है। मधुबन का वातावरण क्या माया? नहीं, ये नहीं बताया, ये बताया मधुबन में भी माया आती है। ऐसे नहीं दुनिया में ही माया आती है, बाहर की दुनिया में भी माया आती है, लेकिन मधुबन में भी माया आती है। मधुबन तो बाप का घर है, तो बाप के घर में बेटी को जगह नहीं होगी क्या? बाप तो बेटी को स्पेशल काम दिया हुआ है। बेटी जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं, जानबूझ करके भी नहीं चलते हैं, उनको तुम खूब फटकाओ। और ऐसे नहीं मधुबन में ही माया आती है, बाहर की दुनिया में तो माया आती ही आती है। और जोर से बोलो, ये बीच में पंखा चल रहा है इसकी आवाज ज्यादा आ रही। और सारा सागर बाबा की यादगार नहीं है, है? नहीं, सात सागर हैं, उनमें मुख्य बड़ा सागर है प्रशांत महासागर। लेकिन प्रशांत महासागर जो है उसमें प्र लगा हुआ है। सागर तो शांत ही होते हैं मोस्टली, लेकिन बहुत शांत स्टेज में रहने वाला सागर है प्रशांत महासागर, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। सात सागरों में प्रशांत महासागर कहा जाता है। वो कैसे बनता है? है? प्रशांत महासागर कैसे बनता है? जब द्वापर युग शुरू होता है तो पृथ्वी का अर्ध विनाश होता है। उस अर्ध विनाश के विस्फोट में जो भूकंप आते हैं बड़े बड़े, उन भूकंपों के टकराव में प्रशांत महासागर का एक हिस्सा पृथ्वी से अलग हो जाता है और वो चंद्रमा कहा जाता है। सतयुग त्रेता में सूर्य ही सूर्य होता है, दिन ही दिन होता है, वहां राकेश नहीं होता, राकाईश।
जब पृथ्वी का संपूर्ण सृष्टि के ऊपर संपूर्ण विनाश होता है तो पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाती है और चंद्रमा जो है जो उपग्रह कहा जाता है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है वो पृथ्वी में उस हिस्से में जुड़ जाता है जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है। तो ब्रह्मा बाबा शांत चित्त के थे, उनको शास्त्रों में युधिष्ठिर की उपाधि दी गई है या अशांत कहा गया है, है? युद्ध स्थिर शांत स्वभाव के थे। और ब्रह्मा बाबा की नहीं, कृष्ण और क्राइस्ट के थोड़ा सा क्यों बजाते हैं, बहुत बजाते हैं। जिसने सतो प्रधान स्टेज में स्थापना की है वो जब तमो प्रधान बनेगा तो जस्ट उल्टा पार्ट बजाएगा कि नहीं। ब्रह्मा ने बच्चों को सदैव प्यार दिया, कभी भी किसी को तुर्स आंख से देखा भी नहीं, बल कितना भी दुखदाई बच्चा हो। कोई भी उस समय का ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कह सकता कि बाबा ने दृष्टि से वाचा से या कर्मेंद्रियों से या वाइब्रेशन से हमको दुख दिया। ऐसी आत्मा को भी दुख देने वाले बच्चे थे मौजूद या नहीं थे? ऐसे ऐसे दुख देने वाले बच्चे थे जिन्होंने हाथ ही फेल कर दिया, जान ही ले ली। ऐसे बच्चों का हिसाब किताब उस श्रेष्ठ आत्मा के साथ अच्छा बना या बुरा बना, बुरा हिसाब किताब बन गया। वो हिसाब किताब कब पूरा होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, या सतयुग में जाकर के वो हिसाब किताब पूरा होगा? है सतयुग त्रेता में पूरा होगा या यही पूरा होना है? 84 जन्मों के सारे हिसाब किताब यहाँ पूरे होने, 63 जन्मों के। तो जो हिसाब किताब पूरे होने हैं वो कब पूरे होते हैं? जब ब्रह्मा की सोल या कोई भी आत्मा तामसी स्टेज पकड़ती है तो लास्ट जन्म में सब एक दूसरे के साथ अपने हिसाब किताब पूरे करते हैं। जिस आत्मा ने जिसको जितना दुख दिया है उतना दुख रिटर्न में जाएगा। लाफुल का मतलब ये है जिसने दुख दिया है, हत्या की है, उसकी हत्या कर देना, कराए देना। अरे जब जब प्यार है तो मार नहीं होगी। क्या बोला है मुरली? 63 जन्मों में प्यार दिया। ब्रह्मा बाबा 63 जन्म में होता भी है। हाँ वो ठीक है, लेकिन आखिरी जन्म में उस आत्मा को धर्मराज का पार्टी भी बजाना है। ठीक है, तो यही समझो ना कि सुप्रीम सोल ने सहनशीलता का पार्ट बजाया। उन्होंने अगर बजाया होता तो 63 जन्म पहले भी बजा लिया होता। तो वो जो राशि मिलती है, जो नाम के आधार पर आकर्षण किया कृष्ण ने, जो आकर्षण किया वो शिव की सोल ने किया है या कृष्ण ने किया? तो वो तो बात ही खत्म हो गई। अब बात रह जाती है कि जो आत्मा सुखदाई है वो आत्मा दुखदाई भी बन सकती है। जब सतो प्रधान है तो सुखदाई है, और जब तमो प्रधान है तो दुखदाई है।
दुनिया की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चार अवस्थाओं से पसार न होती हो। खत्म हो गया ना, अभी 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 जो क्राइस्ट जिससे राशि मिलती हुई दिखाई गई है वो कृष्ण का संपूर्ण पार्ट है क्या? महाभारत युद्ध हो गया, फिर अभी सारा पार्ट तो बकाया है। देवता धर्म की हर आत्मा पहले देवता धर्म की होती है, और जब तमो प्रधान बनती है तो देवता क्या बन जाते हैं? असुर बन जाते हैं। ये कोई नई बात थोड़ी है। कृष्ण कंस बनता है और राम रावण बनता है, सतो प्रधान और तमो प्रधान होने की बात है। हर समय थोड़े ही होता है कि जब जब जो शरीर छोड़े उसी समय धर्मराज उसको शिक्षा दे। ये तो लास्ट जन्म की बात है, अंतिम समय की। लास्ट जन्म में भी अंतिम समय की बात है, जब विनाश होगा तब धर्मराज की सजाओं का भी अनुभव होगा। अभी धर्मराज की सजा नहीं है, सजाएं तो तब मिलेंगी जब रिजल्ट निकलेंगे। शरीर धारण करा के सजा दूंगा। वो शरीरधारी आत्मा सूक्ष्म शरीर भी अगर लेगी तो कोई में प्रवेश करके सजा भोगेगी। ऐसे नहीं कि संकल्पों में ही भोग करके खत्म कर देंगे, जब होगा तब देखा जाएगा। और नहीं पहचानते हैं तो जगत पिता को गाली देते हैं। अगर पहचान जाए कि अगर ये जगत पिता है, क्योंकि चक्कर काट रहा है ना, जो चक्कर काटता है उसको भूत प्रेत समझा जाता है। क्या घूमने फिरने वालों को क्या सिखाया जाता है? भूत। तो जब चक्कर काटते हैं ईश्वरीय सेवा के तो गुप्त पार्ट होता है, गुप्त देश होता है, कोई पहचान ही नहीं पाता। उस पार्ट को न पहचानने के कारण फिर गालियां देते हैं गंदी गंदी, ऐसा करता है वैसा करता है, ऐसा है वैसा है, नहीं समझ पाते। और इंद्रलठ कहा जाता है उसको। जो सिख लोग होते हैं उनके जो गुरुद्वारे बनते हैं उन गुरुद्वारों के सामने एक ऊंचा सा मोटा लठ गाड़ते हैं, उसका नाम देते हैं इंद्रलठ। क्या? उसके सात रंग होते हैं। सात रंग कोई दूसरी चीज नहीं है, जो नारायणी आत्माएं अपने अपने रंग दिखाती हैं अलग अलग धर्मों के, वो ही सात रंग है। हाँ, जब बरसात खत्म होती है, क्या ज्ञान बरसात जब समाप्त होने पर आ जाती है तब वो इंद्रलक्ष प्रत्यक्ष होता है। अभी तो ज्ञान बरसात चालू है। और जो रुद्राक्ष है उसको द्राक्षा का है,
रुद्राक्ष माने रुद्र की आंख। रुद्राक्ष जो होते हैं उसमें मुख बने हुए होते हैं, कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में दस, कोई में चौदह। वो रुद्राक्ष का मन का मुख लेने की यादगार है। तो भगवान ने जिन बच्चों का मुख लिया है ईश्वरीय सेवा करने के लिए, जैसे बाबा कहते हैं कोई बच्चा बुद्धू है, समझाने वाला बच्चा बुद्धू है और समझने वाला तीखा है, लेकिन समझाने वाले ने हिम्मत की समझाने के लिए, तो हिम्मत के बदले में मैं उसको मदद देता हूँ। बाप उसमें प्रवेश करता है, दृष्टि की पावर देता है, वाचा की पावर देता है, वाइब्रेशन की पावर देता है और उस आत्मा का कल्याण कर देता है जिसको ज्ञान सुनाया, उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है। तो वो रुद्राक्ष का मन का जैसे मस्तक में आ गया, जो सुनने वाला है उसकी बुद्धि के ऊपर उसकी छाप बैठ जाती है, किसकी, सुनाने वाले की। तो रुद्राक्ष की बातें हैं। और जो बीज रूप आत्माएं हैं वो 2036 के बाद धीरे धीरे अपने पुरुषार्थ के अनुसार इस सृष्टि पर उतरती रहेंगी। पार्ट भले खत्म हो लेकिन 84 जन्म तो जरूर होंगे। 84 जन्म चंद्रवंशी भी लेते हैं, ब्रह्मा और प्रकृष्ण जैसी आत्माएं, और 84 जन्म बीज रूप आत्माएं भी लेती हैं, जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देती है। लेकिन अंतर क्या होता है, उनका एक जन्म जो है वो संगम युग से शुरू होता है, इसलिए 9 जन्म है बीज रूप आत्माओं के सतयुग में। और जो कृष्ण जैसी आत्माएं हैं जन्म लेने वाली, उनके 8 जन्म होंगे सतयुग में और 13 जन्म होंगे त्रेता में, इसलिए दोनों के 21 जन्म हो जाते हैं। दोनों ही 84 जन्म लेने वाली कही जाती है। एक है सहन शक्ति वाली आत्माएं और एक है सामना करने वाली आत्माएं। एडवांस पार्टी में विशेष गुण कौन सा है, सामना करने की शक्ति। ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं, राजाओं में सामना करने की शक्ति बहुत होती है, और उनके साथ हैं रानियां जिनमें सहन शक्ति का मात्रा ज्यादा है। असल सूर्यवंशी कितने हैं, असल चंद्रवंशी कितने हैं, झोला कहाँ हुए, 4.5 लाख तो कुछ कुल है मौजूद में है, 4.5 लाख तो शरीर छोड़ने वालों की लिस्ट में है, वो कहाँ होते हैं। हाँ, बीज रूप आत्माएं जो हैं वो उद्धार मूर्त हैं, उन बीज रूपों में भी और धर्मों के बीज भी है, जो और धर्मों के बीज हैं वो पहले संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, या सूर्यवंशी चंद्रवंशी पहले संपूर्ण बनेंगे। तो जो सूर्यवंशी हैं चंद्रवंशी हैं वो कितनी हैं, बस 1 लाख। रुद्रयज्ञ जब रचते हैं तो 1 लाख सालिग्राम बनाते हैं सुबह से लेकर शाम तक है, बुद्धि योग से। और सूर्यवंशी हो तो सूर्यवंशी ग्रुप को फॉलो करें ना, वो फॉलो किसको करते हैं, एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर। तो वो पावरफुल ग्रुप कौन सा है जो अपनी प्रजा के साथ तैयार हो जाता है,
सूर्यवंशी ग्रुप अलग है ना। हाँ वो तो अष्टदेव सूर्यवंशी ही हो गए हैं। नहीं नहीं, पूर्वज का मतलब सबसे पहले जन्म लेने वाले, पूर्व माने पहले, ज माने जन्म लेने वाले। तो और कोई वंश के लोग पहले जन्म नहीं लेते, सूर्यवंशी ही सबसे पहले जन्म लेते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। वो अपना अपना ग्रुप उनका अलग है। और द्वापर से क्यों आएंगे? आएंगे सत्ययुग में भी, संगम युग में भी, लेकिन लास्ट में आवेंगे जब विनाश एकदम सामने खड़ा हुआ है। तो अंत मते सुगते, जिन्होंने लंबे समय तक कार्य किया है उनको ज्यादा प्राप्ति होगी, या जिन्होंने लास्ट में आंख खोली उनको ज्यादा प्राप्ति होगी? प्राप्ति ज्यादा किसको होगी? तन मन धन अर्पण करने में जो लास्ट नंबर में चले गए और जो फर्स्ट नंबर में चले गए, अपने को स्वाहा करने में, राख बनाने में कोई आगे चले गए और कोई पीछे रह गए। तो जो आगे से ही शुरुआत से ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा की स्टेज में रहे, जब से आते हैं एडवांस में और अंत तक देह के संबंधों से परे रहते हैं औरों के मुकाबले, तो लास्ट में परीक्षा में जो परीक्षा मुख्य परीक्षा है कौन सी? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कौन पास होंगे? जिन्होंने लंबे समय की प्रैक्टिस की होगी वो पास होंगे, या जिन्होंने बाद में प्रैक्टिस की वो पास होंगे? हैं? जिन्होंने लंबे समय से रिजल्ट दिया है वो आगे चले जाएंगे।